नमस्कार अभिनंदन। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को बधाई। इस अवसर पर देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और उन देशभक्तों को याद कर रहा है जिनके योगदान से आज हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। न जान की परवाह की, न मरने का हुआ गम, हुए कुछ ऐसे देशभक्त जिन्होंने फहराया आज़ादी का परचम। काकोरी कांड की घटना आज हम सबको याद है, जिसकी योजना बिस्मिल खान ने बनाई थी, परंतु यह कोई नहीं जानता कि उनके साथ ऐसे बहुत से और भी देशभक्त थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना खुद को देश के लिए समर्पित कर दिया। कुछ उनके साथ फिजा में मिल गए तो कुछ ने अपना कारावास पूरा करने के बाद आज़ादी तक संग्राम की मशाल को जलाए रखा। तो आइए सुनते हैं एक ऐसे ही देशभक्त की कहानी MPS की जुबानी। काकोरी कांड के लिए गिरफ्तार होने वाले 16 स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे मन्मथ नाथ गुप्त। जब काकोरी कांड का फैसला किया तब वह केवल 17 साल के थे, जो अपनी आखिरी सांस तक केवल भारत के लिए ही जिए। मन्मथ नाथ गुप्त का जन्म वाराणसी में 7 फरवरी 1908 को हुआ। इनके पिता एक हेडमास्टर थे। इन्होंने 2 वर्ष नेपाल में पढ़ाई की, फिर काशी विद्यापीठ में इनका दाखिला करवा दिया गया। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हो चुकी थी। कहा जाता है कि किशोरा अवस्था से ही मन्मथ बहुत साहसी और निडर थे। एक बार प्रिंस एडवर्ड बनारस आ रहे थे तो क्रांतिकारी चाहते थे कि बनारस के महाराज उनका बहिष्कार करें। सभी ने अपनी गतिविधियां तेज कर दीं। मन्मथ भी लोगों को जागरूक करने के लिए पर्चे बांट रहे थे। तभी पुलिस अफसर आ गया, पर उसे देखकर मन्मथ भागे नहीं बल्कि वहीं खड़े रहे और अपना काम करते रहे। इस दुस्साहस के लिए उन्हें जज के सामने लाया गया तो उन्होंने कहा, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। तब उन्हें 3 महीने की सजा हुई। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वे सबसे युवा क्रांतिकारी थे। 9 अगस्त को हुई काकोरी डकैती में भी वह शामिल थे। यह काकोरी कांड देश ही नहीं मन्मथ के जीवन का भी अहम मोड़ था। कहते हैं इस कांड में मन्मथ ने गलती से माउजर का ट्रिगर दबा दिया था, जिससे छूटी गोली से एक आम यात्री की मौत हो गई। इसके बाद एक एक कर सभी क्रांतिकारी पकड़े गए, कुछ को फांसी और कुछ को 5 साल से लेकर आजीवन कारावास हुआ। मन्मथ उस समय नाबालिग थे, इसलिए उन्हें फांसी की सजा ना देकर 14 साल कारावास की सजा मिली। जब वे छूट कर आए तो फिर से उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, पर इस बार उनका हथियार उनकी लेखनी थी। कहते हैं स्वतंत्रता के बाद भी उनका लेखन कार्य जारी रहा। उन्होंने लगभग 120 किताबें लिखीं। साल 1997 में 27 फरवरी को दूरदर्शन नेशनल डॉक्यूमेंट्री सरफरोशी की तमन्ना के लिए अपना अंतिम साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने कबूला कि उनकी एक ही गलती से सभी क्रांतिकारी और उनके प्रिय बिस्मिल पकड़े गए, जिसका उन्हें ताउम्र अफसोस रहा कि उस वक्त उन्हें फांसी क्यों नहीं हुई। ऐसे थे मन्मथ, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। 26 अक्टूबर सन 2000 को उन्होंने दुनिया से विदा ली। भारत माँ के इस सच्चे सपूत को हमारा शत शत नमन। जय हिंद।